अरे बहू तुम, आज मैं तुमसे यही कहने वाली थी कि अंदर कमरे में बैठे बैठे क्या करती हो, हमारे साथ भी बैठो, हमसे भी बात करो। ठीक है जी। हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए मामा जी, क्या बात है? आप सभी जानते हैं कि आप सब सिर्फ मेरे स्टाफ का हिस्सा नहीं बल्कि मेरे परिवार का भी हिस्सा है, इस ऑफिस का हिस्सा है। इनफैक्ट आप सबके बिना ना तो हमारी कंपनी तरक्की कर सकती है ना ही हम, बल्कि हर कंपनी की तरक्की के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसके स्टाफ का हाथ होता है। हम सभी ने आज तक जो भी किया दिल से किया, एंड वी प्रॉमिस आगे भी दिल से करेंगे। दैट्स गुड। एनीवेज काम को कभी भी बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अब आप सोच रहे होंगे कि आज हमने मीटिंग क्यों बुलाई है, तो उसके पीछे का कारण ये है, इस शहर में हमारा एक कॉम्पिटिटर है। हमें उनकी कंपनी से आगे निकलना है। इनफैक्ट हमें अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाई तक लेकर जाना है कि उनकी कंपनी खुद ब खुद हमारे आगे छोटी पड़ जाए, जिसकी शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब तो उनके डीलर्स भी हमारे तरफ हो गए। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारी कंपनी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ डीलर्स के आने जाने से हमारी मुश्किलें आसान नहीं हो जाती। अभी तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? हम यहाँ की मार्केट में उन्हें रोक सकते हैं, पर पूरी इंडिया की मार्केट में उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। इट इज ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं, बस हमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। जिस तरह से हमने उन्हें इस शहर में रोक दिया है, उसी तरह दूसरे शहरों में भी रोक देंगे, लेकिन इसके लिए आप सबको थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा, इट्स ओनली पॉसिबल अगर आप सब मेरे साथ हैं। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो मेरे पास एक प्लान है। मैम, हम सभी तैयार हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दूसरे देशों में भी हमें ऐसा कुछ करना पड़ा तो हम करेंगे। नहीं राकेश, दूसरे देश तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट हम उन्हें इतना कमजोर कर देंगे कि वो फिर उठने के लायक ही नहीं। एनीवेज, अब आप सब ध्यान से मेरी प्लानिंग को सुनिए। जी, आप यहाँ किचन में? हाँ, मैं वो देखने आई थी तुम्हारा काम खत्म हुआ है कि नहीं। बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। हाँ, हो जाए तो आकर मेरे कमरे की सफाई कर दो, और हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आकर हाथ पैर दबाओ। जी माँ जी, मैं इसीलिए तो जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मुझे पता है आप बाहर गई थी तो थक गई होंगी, मैं आकर आपके हाथ पैर दबा दूंगी। जल्दी आओ। जी
कुल की ज्योति कन्या। अभिनव आ गया। माँ भैया आ तो गए हैं लेकिन। लेकिन क्या? भैया नशे में हैं। क्या? हाँ माँ, उनसे मामा जी ने बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हमने श्वेता भाभी के साथ उनकी शादी जबरदस्ती करवा दी है। पता नहीं कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे थे। अरे शादी हो गई तो हो गई, तू चिंता मत कर, श्वेता उसे खुद रास्ते पर ले आएगी। ये लड़का बेनान न जाने किस लड़की के ख्वाबों में डूबा रहता है। हाँ, अगर ये बात श्वेता भाभी को पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैंने कहा ना, तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ अभिनव से। ओ, तो तुम भी इंतजार कर रही हो? हाँ, क्यों इंतजार कर रही हो? अरे बाकी कोई समझे या नहीं समझे, तुम्हें तो पता है ना इस इंतजार का कोई मतलब नहीं है। आप इंतजार की बात करें, चलिए मैं अपनी जिंदगी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछती हूँ। जब आपको मेरे साथ रिश्ता निभाना नहीं था तो फिर शादी क्यों की? शादी की नहीं, जबरदस्ती करवा दी गई। अगर आपको इनकार करना ही था तो उनके सामने इनकार करना चाहिए था। उनके सामने इनकार नहीं कर पाए, इस बात की सजा आप मुझे नहीं दे सकते। अपनी जुबान को लगाम दो। मैंने अभी तक अपनी जुबान खोली कहा, क्योंकि जुबान खोलने से पहले आपसे ये जानना चाहती कि मेरा कसूर क्या है, किस बात की सजा दी जा रही है मुझे। अरे सजा तो मुझे मिली है, तुमसे शादी करने की सजा। तो शिकायत उससे कीजिए जिसने आपको यह सजा दी है। मैं आपकी पत्नी हूं, आपने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया है और आपको मुझे ही अपनी पत्नी मानना होगा। ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम इतना बोल सकती हो। मजबूर आप ही कर रहे हैं। आपने क्या सोचा था कि आप मुझे अपनाने से इनकार कर देंगे और मैं अपनी जिंदगी अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाते हुए एक कोने में बैठी रहूंगी और आपके मन में जो आएगा आप करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ बस इतना है,
कि आप अपने साथ साथ मेरी जिंदगी तबाह मत कीजिए। आज आप मेरे सामने कह सकते हैं कि आप किसी और से प्यार करते थे। कुल की ज्योति कन्या। इसलिए आप मुझे अपनाना नहीं चाहते, लेकिन असल में समझौता तो मैंने ही किया है। औरत ही समझौता करती है, जो अपने माँ बाप से प्यार तो करती है लेकिन उन्हें छोड़कर अपने पति के घर आ जाती है, और अगर पति से ये सुनना पड़े तो ये मेरे या आपके लिए नहीं, सारे समाज के लिए शर्म की बात है। चलो जाओ, कहता हूं मैं कि मैं किसी और से प्यार करता और तुम्हें नहीं अपना सकता। क्या कर लोगी तुम? हां क्या कर लोगी? बोल कर क्या होगा? अगर आपका यही रवैया रहा तो शायद मुझे भी यही बताना पड़ेगा, अब औरत जुल्म सहने के लिए नहीं रह गई है, और आपको ख्याल रखना होगा कि बर्दाश्त करने की उतनी क्षमता मेरे अंदर नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसे ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अब सोचना आपको है कि कल आप क्या करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे आंसुओं को देखकर मेरी माँ और मेरी बहन आंसू बहाएं। तैयार होकर क्यों खड़ी हो? जी आज देवर जी की शादी है ना, तो हाँ शादी है तो क्या, तुम्हारा चलना जरूरी है। तुम पे ऐसी जगहों पर शुभ घड़ी में तुम्हारा मेरे साथ आना जरूरी है। शुभ कार्य की घड़ी है, ऐसी जगह पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दीदी अगर बहू चलना चाहती है तो चलने दो ना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना विलास? शुभ कार्य हो रहा है, शादी हो रही है, ऐसी जगह पर एक विधवा को लेकर जाऊंगी मैं? और वैसे भी तुम्हें मुझे ये बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम एक विधवा हो। जब भी घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, कोई अच्छी चीज हो रही हो, तो तुम्हें सामने आकर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी। क्या माँ जी, अब खड़ी क्या हो, जाओ अपने कमरे में। तुम्हें पता नहीं है कि ऐसी जगहों पर अब शगुन का मुंह देखकर नहीं जाया जाता है। जाओ। भाभी एक मिनट। आपको क्या लगा था मैं आपके लिए कुछ नहीं लाऊंगा?
अभिनव तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये कैसी साड़ी लाए हो उसके लिए? तुम जानती नहीं वो विधवा इस तरह के कलर नहीं पहन सकती। अरे माँ, अगर भाभी ये साड़ी पहन लेगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और ना ही कोई भूचाल आएगा। अगर तुम परंपराएं नहीं जानते तो तुम्हें अपनी सोच इस घर पर लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सोच लादने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं। सोच तो आप लोग अपनी लाद रहे हैं। दीपे, तकदीर का कहर क्या टूट पड़ा? आप लोगों ने तो जैसे उनका जीना ही मुश्किल कर दिया है। भाभी विधवा तो कहीं जा नहीं सकती, कुछ खा नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। ये सब में भाभी का क्या कसूर है? आते ही बहस शुरू कर दी ना तुमने। जाओ इसी वक्त अपने कमरे में चले जाओ। तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अभिनव के लिए खाना लगाओ। घर की औरत को इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, इससे घर में पवित्रता बनी रहती है। ये तुम क्या कह रही हो श्वेता? भला बड़ी बहू पूजा कैसे कर सकती है? वो विधवा है और विधवा के अपने रहन सहन, अपने रीति रिवाज होते हैं, वो पूजा नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने तो सुना है कि पूजा पाठ पर सबसे पहला अधिकार घर की बड़ी बहू का होता है, इसलिए। नहीं श्वेता, बड़ी बहू पूजा नहीं कर सकती। किसी विधवा के हाथ से कोई शुभ कार्य नहीं कराया जाता है, यही हमारे समाज की परंपरा है और तुम्हें भी इसका सम्मान करना चाहिए। क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ही ले जाना चाहिए था ना। ये जिंदगी की लाश का बोझ तो नहीं उठाना पड़ता था ना। जिंदगी का बोझ नहीं उठाया जाता मुझसे। क्या करूं मैं? आखिर किसके लिए जीऊं? किसके लिए जिंदगी का ये बोझ उठाती फिरूं मैं? हर नए ताने, नए दुख, नए कष्ट, कष्ट थक गई हूँ मैं इन सब से। थक गई हूँ मैं। मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। भाभी, भाभी कहाँ हो तुम? किचन का काम खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि घर के सारे काम खत्म हो गए और आप यहाँ आके आराम से बैठ गई। माँ वहां आपको हॉल में ढूंढ रही है और मैं यहाँ वहां ढूंढ रही हूँ, लेकिन आप, आपका ठिकाना तो बस यही है। क्या काम है? आप क्यों इतना नाराज हो रही हैं?
मुझे काम बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। मेरे सारे कपड़े प्रेस करने के लिए बाकी हैं। माँ का कमरा अब तक साफ नहीं हुआ, आखिर आखिर दिखाना क्या चाहती हैं आप? घर में नई बहू आई है और आप बस यही जताना चाहती हैं कि इस घर के लोग बस जैसे तैसे रह लेते हैं। माँ कह रही थी कि नई बहू आपको देखकर सीखेगी कि हमारे घर का रहन सहन कैसा है, और आप जाइए, जाके तुरंत मेरे कपड़े प्रेस कीजिए। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, तो जाओ और जाके उन्हें बोल दो। ज्यादा बेहतर ये होगा कि ये बात आपके जरिए सामने आए, ताकि कोई ये ना कह सके कि मेरी वजह से दोनों खानदान का नाम बदनाम हो गया। जी।